हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा टेक्नो कैमॉन 35G फ़ोन है, तो टेक्नो कैमॉन 35G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में इनकम जो भी आपकी आउटगोइंग कॉल्स होती है वो आपके फ़ोन में नहीं जा रही है, फिर कॉल आपके फ़ोन में दूसरे फ़ोन पे नहीं जा पा रही है, तो आप कैसे आउटगोइंग कॉल प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं अपने टेक्नो कैमॉन 35G फ़ोन में, और कैसे आउटगोइंग कॉल प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे टेक्नो कैमॉन 35G फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप देखते हैं आइकन शो हो रहे हैं, जिसमें से सेटिंग्स पे जाना, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे अपने फ़ोन में आउटगोइंग कॉल्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो सिंपली देख सकते हैं सेटिंग्स शो हो रहे हैं, जहाँ से आपको जाना होगा ऐप मैनेजमेंट पे। तो ऐप मैनेजमेंट पे जाते हैं तो सिंपली आप देख सकते हैं कि ऐप लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली ऐप लिस्ट पे चले जाना है। ऐप लिस्ट पे जाकर फिर आपको स्लाइड करना है, स्लाइड करते ही आपके पास ऑप्शन आता है फ़ोन आइकन्स, तो फ़ोन आइकन्स पे आपको क्लिक कर देना होगा। देख सकते हैं फ़ोन आइकन्स आ गए हैं, इस पर क्लिक करके आउटगोइंग कॉल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं फ़ोन में। सिंपली बस आपको स्टोरेज एंड कैच पे जाना है, स्टोरेज डाटा डिलीट कर देना है, क्लियर कर देना है, फिर आपके पास ऑप्शन आता है परमिशंस, तो परमिशंस पे जाकर कॉल लॉग परमिशंस को यहाँ से ऑन ऑफ कर लेना है आपको इस तरीके से, और साथ में ही फ़ोन परमिशंस को भी ऑन ऑफ कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो जब आप फ़ोन परमिशंस को भी ऑन ऑफ कर लेते हैं तो आपकी जो भी आउटगोइंग कॉल्स प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी, और जो भी आपकी कॉल प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आउटगोइंग कॉल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप देखते हैं आप यहाँ से भी डायरेक्टली जा सकते हैं ऐप इन्फो पे। जब आप इन्फो पे डायरेक्टली जाते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली जाकर स्टोरेज डाटा क्लियर करके अपने फ़ोन के आउटगोइंग कॉल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ से अपने कॉल लॉग एंड फ़ोन परमिशंस को अलाउ करके भी आउटगोइंग कॉल्स प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें।